तो तानसेन तैयार हो जाइए। हम तो बचपन से तैयार है मित्र बीरबल। गाना गाने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, जो काम हम करने के लिए आए हैं उसके लिए तैयार हो जाइए, शुरू हो जाइए। ओह हम तो भूल ही गए थे। क्या बात है मित्र बीरबल, बड़े परेशान लग रहे हो, चिंता की रेखाएं दिख रही है माथे पर, किस बात से डर रहे हो? मित्र तानसेन, हम रानी साहिबा को लेकर बहुत ही परेशान है। सुनो, हमारे बारे में क्यों बात कर रहे हैं? रानी साहिबा को क्या हुआ? क्या दवा से काम चल जाएगा या उनके लिए मांगनी पड़ेगी दुआ? नहीं मित्र तानसेन, रानी साहिबा को अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मगर होने वाला है। आप तो जानते हैं कि वो जहांपनाह से अलग रहने लगी हैं और जहांपनाह अकेले हो गए हैं। अक्सर अकेले आदमी का दिल टूटता है और उस टूटे दिल को जोड़ने के लिए वो किसी और को ढूंढता है। बिल्कुल सही समझे मित्र तानसेन, हमें तो इस बात का डर है कि अकेलापन दूर करने के लिए जहांपनाह के मन में किसी और लड़की का ख्याल ना आए। मतलब जहांपनाह दूसरी शादी कर सकते हैं, लाकर कोई नई हसीना अपने खाली कमरे को फिर से भर सकते हैं। बिल्कुल दूसरी शादी कर सकते हैं, और अब तो उनके पास वजह भी है। लेकिन एक बार उन्होंने दूसरी लड़की से शादी कर ली तो फिर वो रानी साहिबा की तरफ देखेंगे भी नहीं। काश 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 हम रानी साहिबा को समझा पाते, उनसे कह पाते कि लौट जाए जहांपनाह के पास, कहीं देर ना हो जाए। हम देर नहीं होने देंगे, हम अभी इसी वक्त सलीम के अब्बू के पास जा रहे हैं। मित्र तानसेन, हमारा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। दीजिए दीजिए ना, दीजिए दीजिए। आपने कुछ नहीं देखा? आइए आइए रानी साहिबा, आखिर आप लौट ही आई। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? हाँ रानी साहिबा, आप जरा हमें बताएंगी कि आप इतनी भड़की हुई क्यों हैं? आप दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं? हम भड़के नहीं तो क्या आपकी आरती उतारे? अरे बोलते क्यों नहीं आप? रानी साहिबा, अब हम कर क्या सकते हैं आप ही बताइए। देखिए आप तो हमारे साथ हैं नहीं, तो अब दूसरी शादी हमें करनी पड़ रही है। देखिए मर्जी है आपकी, आप हमारे पास लौट आइए, वरना एक खूबसूरत हसीन जवान सौतन के लिए तैयार हो जाइए। तैयार तो पहले आप हो जाइए जहांपनाह। अरे रानी साहिबा, हमने तैयारी तो पहले से कर रखी है, शाही दर्जी से हमने अपनी शेरवानी भी सिलवा ली है। ये आपने ठीक नहीं किया अब्बा हुजूर। क्या ठीक नहीं किया? मुझे बताया फूफू, अगर आपने शाही दर्जी को यहाँ बुलाया था तो हमें भी बुलाना चाहिए था ना, हम भी अपने नए कपड़े बनवा लेते। हा? और नहीं तो क्या अब्बा हुजूर, शाही खून है हम, और अगर हम अपने खुद के अब्बा हुजूर की शादी में पुराने कपड़े पहन के जाएंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी पूरी रियासत में। ओए! कोई शादी वादी नहीं होने वाली है, आप तैयार हो जाइए मरने के लिए। अगर आपने दूसरी शादी के बारे में सोचा भी ना तो हमारी मासा आएगी और आप फिर सोच लीजिए आपका क्या होगा। भाई साहब। जी बहना। अभी इसी वक्त मासा को संदेशा भेजिए यहाँ आने के लिए। अरे रुके 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 रानी साहब, वो हम तो मजाक कर रहे थे रानी साहिबा। अरे दूसरी शादी कहाँ से बीच में आ गई, हम अपनी पहली शादी से इतना खुश हैं, दूसरी क्यों करेंगे? कोई दूसरी शादी नहीं हो रही। अच्छा है अच्छा है, सोचना भी मत।
बहुत बेइज्जती हो गई हमारी, अब जीने का भी मन नहीं कर रहा हमारा। हे दबरान, मतलब दरबान, अपना ये भाला लीजिए और हमारे पेट में घुसेड़ दीजिए, हमारी जान निकाल दीजिए आज आप। नहीं 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 नहीं, जहां पर हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आज सुबह तो इसको धोकर साफ करके अच्छे से चमकाया है, फिर से गंदा हो जाएगा। ए, अब्बा हुजूर, शाही खून है हम, आप फिक्र मत कीजिए, ये भाला हम घुसेड़ देते हैं आपके पेट में। अरे सलीम भाईसा, हम भी, मैं भी आपकी मदद करूंगा। रुकिए 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 रुकिए, आप दोनों हमारी जान लेंगे पूरी तरह से अब्बा हुजूर, बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अम्मी जान ने हमसे कहा है कि अब्बा हुजूर की हर इच्छा को पूरा करना हमारा परम कर्तव्य है। आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन उससे पहले आपका सर हमारे पैरों पर। पूछे कैसे? कैसे अब्बा हुजूर, कैसे कैसे? हम पहले आप दोनों का सर धड़ से अलग कर देंगे। आपकी तो पूरी की पूरी चाल उल्टी पड़ गई बीरबल, अब बताइए क्या करें, कैसे लाए रानी साहिबा को वापस, क्या करें? जहाँपना बस कीजिए, पूरी एक सुराही शरबत पी चुके हैं आप, और ज्यादा पिएंगे पेट फूल जाएगा, और ज्यादा। पेट हमारा है, फूलता है तो फूलने दीजिए, फटता है तो फटने दीजिए। वैसे भी रानी साहिबा ने हमें हुक्म दिया है कि हम चौसर नहीं खेल सकते, जश्न नहीं मना सकते, हर वो चीज जो हमें खुशी देती है वो हम नहीं कर सकते। रानी साहिबा हमारे साथ रहती तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी की लगाम अभी भी उन्हीं के हाथों में है। ऐसे में हम अगर पिएंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे? अब्बा हुजूर, सिर्फ शरबत पीने से काम नहीं चलेगा, अगर जीना है तो खाना पड़ेगा। चलिए ना, हमें बहुत तेज भूख लगी है। हम नहीं खाएंगे, हम भूख हड़ताल पर है। जहां बना, ये भूख हड़ताल कब तक चलेगी? जब तक रानी साहिबा हमारे पास लौट कर वापस नहीं आ जाती तब तक। महारानी आपका खाना। हाँ हाँ रख दो। ओ उर्वशी, ये सब उछल कूद करना बंद करो, हमें भूख लगी है। छोड़िए छोड़िए, अरे हम नहीं छोड़ सकते, जो कुछ भी सामने होता है ना हम खा लेते हैं जब भूख लगती है तब। रानी साहिबा, हमारे नृत्य को उछल कूद कहना छोड़िए, ये तो हमारी साधना है। वैसे ये सब छोड़ो, चलो खाना खा लेते हैं। रानी साहब, हमें भूख नहीं है, आप खा लीजिए। हमें भूख है और आप हमारे साथ खाना खाएंगी। चलिए मुंह खोलिए। ये क्या है, ये उबली हुई सब्जी और ये सब हम नहीं खा सकते, आप खा लीजिए। हम भी नहीं खा सकते उर्वशी, लेकिन वो क्या है ना, कल हमारी सहेली रुक्मणी हमें कह के गई कि हम थोड़े से इतनों से थोड़े मोटे हो गए, थोड़ा वजन बढ़ गया है इतना सा, तो हमने सोचा कि हम ये सब्जी खाकर पतले हो जाते हैं। तो रानी साहब, पतला तो आपको होना है, तो आप खाइए, हम नहीं खा पाएंगे ये सब। हम आपके साथ रहते हैं, आपको वही करना पड़ेगा जो हम करेंगे। चलिए खाइए खाइए, ये हमारा हुक्म है, खाइए। बलदेव, बलदेव बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, वरना हम अंदर आ जाएंगे, और एक बार हम अंदर आ गए उसके बाद आप बाहर निकलने लायक रहेंगे नहीं, बाहर आइए। अरे कौन गुस्ताख इतनी रात को शोर मचा रहा है? जाओ बना, जाओ बना, जाओ जाओ बना, जाओ जाओ बना।
अल्लाह की जय हो, जापना की जय हो, जापना आप। हाँ हम, और गुस्ताख हम नहीं आप हैं। पना हमने क्या गुस्ताखी की है? अच्छा, अपनी बहना से हमारा निकाह करवाया, क्या ये गुस्ताखी नहीं है? जहाँ पना आपने निकाह अपनी मर्जी से किया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा तो ठीक है, हम अभी के अभी कुएं में कूदना चाहते हैं, तो क्या आप हमें कूदने देंगे? आप हमें रोकेंगे नहीं, हमें समझाएंगे नहीं? जहाँ पना आज आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हम बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बलदेव, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी बहना हमें छोड़कर चली गई है। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो बड़े आराम से अपने कक्ष में सो रहे हैं ना। नहीं नहीं जहाँ पना, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो जाइए अपनी बहना को समझाइए, उनसे कहिए कि हमारे पास वापस लौट आए। अरे वो जैसी भी हैं, हम प्यार करते हैं उनसे, वो हमारा दिमाग खाती हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल उनके लिए धड़कता है। आपको विश्वास नहीं होता तो हमारे दिल पे हाथ रख के देख लीजिए। नहीं 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 जहांपना, हमें आप पर यकीन है। अरे आपके यकीन की ऐसी की तैसी, आपके यकीन का क्या करें हम। आप अपनी बहना को समझाइए, अगर हमारी बीवी हमारे पास वापस नहीं आई तो हम किसी की भी बीवी उसके साथ रहने नहीं देंगे। मतलब रानी साहिबो, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है? और जहाँ पना आपको शर्म नहीं आती यूं इस उम्र में मजनू की तरह चिल्लाते हुए? रानी साहिबा, ये कहने का आपको बिल्कुल भी हक नहीं है। आप हमारी बीवी होकर हमें इस तरह छोड़कर चली गई, कोई बीवी ऐसा करती है क्या? कोई पति अपनी बीवी को सरदर्द बोलता है क्या? चलिए चलिए, ये नाटक बंद कीजिए और सोने जाइए। हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं सोना, हम नहीं सोएंगे। जब तक आप हमारे पास वापस नहीं आ जाती, हम नहीं सोएंगे। अम्मी जान, शाही खून है हम, आप कहें तो हम अब्बा हुजूर को सुला दें, फिर ये आपको कभी तंग नहीं करेंगे। बेटा, तुम्हारे पास सुलाने वाली दवाई है क्या? मुझे पता है गोभी, दवाई से तो शाही हकीम जी सुलाते हैं, लेकिन सलीम भाई साहब तो अपनी तलवार से सुलाते हैं। आदमी हमेशा के लिए सो जाता है। खरगोश खरगोश, हमने कह दिया ना कि हम नहीं सोएंगे रानी साहिबा, और ना ही हम खाएंगे, हम भूख हड़ताल पे हैं। भूख हड़ताल? हाँ भूख हड़ताल, हम भूखे रहकर अपनी जान दे रहे हैं। भूखे रहकर जान दे देंगे जहां पना? हमारे लिए हो जहां पना, जो करना है कीजिए, हम नहीं आएंगे। क्या? हाँ अम्मी जान, पिछले 5 दिनों से अब्बा हुजूर ने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ शरबत पी रहे हैं, और इतना शरबत पी चुके हैं कि अगर वो सारा शरबत किसी कुएं में डाला जाए तो कुआं भर जाए। रानी साहिबा, हमें तो लगता है अगर जहां पना ने कुछ दिन और खाना नहीं खाया ना, तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। हाँ, जान पर भी आ सकती है। हाँ रानी साहिबा, हमें तो लगता है कि आपको जहां पना के साथ रहने चले जाना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो उर्वशी, कितनी अच्छी हो तुम। उनके पास हमें जाना ही पड़ेगा। और रानी साहिबा, अपना सामान तो लेकर जाइए, हम हमेशा के लिए नहीं जाने वाले, हम सिर्फ उनका दिमाग ठीक करके आते हैं। ओ, दिमाग? हाँ वही। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। कोई मेहरबान आने वाला है क्या? कहाँ है? अरे मेहरबान को छोड़िए रानी साहिबा, लेकिन बहुत खुशी हुई कि आप फिर से हमारे साथ रहने आ गई हैं। पर आपका सामान कहाँ है रानी साहिबा? चलिए आइए आइए, आपका सामान हम आपके लिए लेकर आते। बैठ जाइए वरना गिर जाएंगे। ऐसे शरबत ही पीते रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो चक्कर ही तो आएंगे ना। वैसे भी हम यहाँ आपके साथ रहने नहीं आए हैं, हम बस खबरदार करने आए हैं कि अगर आपने कुछ खाना खाया नहीं तो हम अपनी मासा को बुलाएंगे। बुलाई लीजिए रानी साहिबा, इस बार आप अपनी मासा को बुलाई लीजिए, वो क्या करेंगे, हमारी जान ले लेंगे? जान तो हमारी वैसे भी निकल रही है,
साहब के बिना हम जीकर क्या करेंगे रानी साहिबा, जान तो हमारी निकल ही रही है, देख सकती हैं आप, निकल ही रही है हमारी जान। अरे जा बना, जा बना, अरे कोई हकीम जी को बुलाओ, जा बना, जा बना, उठिए। हकीम जी, सलीम के अबू ठीक तो हो जाएंगे ना? रानी साहिबा, भूखे रहने की वजह से जहां पनाह का शरीर कमजोर हो गया है, सूख के कांटा हो गए हैं, जिगर ने काम करना बंद कर दिया है। इन्होंने इतना शरबत पिया है, इतना शरबत पिया है कि इनकी आंत पानी में डूब गई है। रानी साहिबा, अगर इन्होंने खाना शुरू नहीं किया तो इनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बाकी सब ठीक है। वाह, जिगर ने काम करना बंद कर दिया, हाथी पानी में डूब गई है, कभी भी मर सकते हैं, बाकी सब ठीक है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाकी सब ठीक है, ये तो हमारा तकिया कलाम है रानी साहिबा। रानी साहिबा, इन्हें कुछ खिलाइए, इनकी भूख हड़ताल तुड़वाइए। नहीं खाएंगे हम, नहीं खाएंगे हम, कुछ नहीं खाएंगे अब रानी साहिबा, हमारी जिंदगी में नहीं तो हम जी कर क्या करेंगे, हम नहीं खाएंगे, हमें नहीं खाना है। धक्कार तो ऐसे ले रहे जैसे पेट भरा हो। रानी साहिबा, ये डकार नहीं है, ये डकार नहीं है, ये हमारी जान है जो शरीर से निकल रही है। देखा मैंने, देखा आपके लिए जहांपनाह ने क्या हाल बना रखा है। शाही खून है हम अब्बा हुजूर को भूखे रहकर उन्हें अपनी जान नहीं देने देंगे। अम्मी जान, आप अब्बा हुजूर के पास वापस आ जाइए। अरे सोच कह रही है रानी साहिबा, हाँ कर दीजिए ना। जहांपनाह, हमें पता नहीं था आप हमारे बिना टूट जाएंगे। अरे टूट तो हम कब के चुके हैं रानी साहिबा, अब तो बस बिखरना बाकी है। बुबू, अगर आपको बिखरना है तो यहाँ मत बिखरिएगा, महल के बाहर जाके बिखरिएगा, अगर आप यहाँ बिखर गए तो पूरा महल गंदा हो जाएगा ना। जहाँ पना, सारे खरगोश खामोश हो गए। बस कीजिए, हम अभी अपना सामान लेकर आपके पास, आपके पास आ रहे हैं जहाँ पना। रानी साहिबा, देखिए और पूछ पूछ किस चीज का इंतजार कर रही है, फिर आप रानी साहिबा जाइए, चाहिए अपना सामान जल्दी से लेकर आ जाइए, और आप लोग भी क्या हमारी शक्ल देख रहे हैं, जाइए रानी साहिबा का सामान लेकर आइए, उनकी मदद कीजिए, अकेले कैसे लाएंगे अपना सामान, जाइए जाइए रानी साहिबा की मदद कीजिए। हकीम जी, इस नाटक में आपका किरदार बस इतना ही था, आप जा सकते। लेकिन राजा बीरबल, आपने हमें सबके सामने ये क्यों बुलवाया कि भूखे रहने की वजह से जहांपनाह की जान को खतरा है, जबकि इनका पेट तो अभी भी भरा हुआ है और सेहत भी माशा अल्लाह। हकीम जी, ऐसा नाटक करना पड़ता है, कभी कभी बिगड़े हुए रिश्तों को मिलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। रिश्ते सेहत। वाह बीरबल, वाह वाह वाह, हम आपसे बहुत खुश हैं बीरबल, आपका ये भूख हड़ताल वाला नाटक तो कमाल का काम कर गया। लेकिन सच कहें बीरबल, तो ये नाटक करके कुछ अच्छा लगा नहीं, एक अजीब एहसास जुर्म हो रहा है इस झूठ की वजह से। जहांपनाह, हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है, इसलिए हमने फैसला किया है कि आज के बाद कोई भी झूठा नाटक ना हम करेंगे ना आपको करने देंगे। इस बार ये मियां बीवी का मामला था तो ठीक, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा, आज के बाद आप रानी साहिबा को सरदर्द नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे, बदन दर्द? मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हम वादा करते हैं आगे से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे।